हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कल करवा चौथ है। आज रात को हम मेहंदी लगवाने जा रहे हैं और सब लोग बहुत धूमधाम से करवा चौथ मनाते हैं, तो हम भी मनाएंगे और अपने हाथों में मेहंदी लगवाने जा रहे हैं अपनी ननद जी से। वो बैठी हुई है मेरे लिए मेहंदी लगाने के लिए और आज से तैयारी शुरू हो गई है। कल करवा चौथ है तो सभी बहनों और माताओं को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। सब लोग मेहंदी लगवाओ आज की रात, और कल तो व्रत ही है तो हम चल रहे हैं मेहंदी लगवाने। बाद में मिलते हैं, अभी थोड़ी देर में आप लोगों से मेहंदी लगवा के अभी दिखाते हैं आप लोगों को। और कल तो करवा चौथ है, कल तो व्रत ही रहेगा, तब भी मिलते हैं आप लोगों से। ये देखिए फ्रेंड, मेरे हाथ में मेहंदी लग रही है, मैं तैयार हो रही हूँ करवा चौथ के लिए और रात भी हो गई है। और ये देखो मेरे हाथ में मेहंदी लगा रही हैं, इस हाथ में देखिए लग गई है, इस हाथ में देखो लग रही है अभी। ये बच्ची लगा रही है मेरे हाथ में मेहंदी, और देखो इसमें देखो क्या बना हुआ है। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारी मेहंदी कैसे लग रही है। अभी लग ही रही है, अभी पीछे इतना बाकी भी है। अभी लग रही है मेहंदी, मैं अपने दादी सास के घर पे हूँ, यहीं पर तैयारी शुरू है, अभी वहाँ नहीं गई हूँ और कल जाएंगे और फिर आगे बताएंगे आप लोगों को। अभी मेहंदी लग रही है, तैयारियाँ सजारियाँ शुरू है, बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है करवा चौथ पे, तो अब लगाने जा रहे हैं मेहंदी। कैसी लग रही है मेरी मेहंदी? अच्छी लग रही है। हाँ, मेरी सास दादी सासू बैठी हुई है, मेरा मेहंदी लगवा रही थी अभी तक, और अब हाथ में मेहंदी लग गई, सोने जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं सोने, रात काफी हो गई है और सुबह बात करते हैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, तो आज करवा चौथ है और दोपहर के 2 बज रहे हैं, आधा दिन निकल गया है, अब आधा ही बाकी है, तो मैं सोचा आप लोगों से बातें ही कर लूँ। मैं पार्लर आ गई हूँ गांव से, पूजा भी यहीं पर हमें करना है, तो देवरानी के साथ वहाँ से चली आई हूँ। दादी सास को खिला पिला के और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं भी कर दी है, तो मैं यहाँ आ गई हूँ अपने घर। तो देवरानी भी, देवरानी का भी व्रत है, तो हम दोनों लोग साथ में पूजा करेंगे और उस दिन भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे शाम वाली। रात में जब हम लोग तैयार होंगे तो आप लोगों को मतलब दिखाएंगे, वो भी हमारी सीन मतलब वीडियो बनेगी, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए शाम तक, शाम को हम दिखाएंगे। और जैसा कि आप लोगों ने बोला था, किसी ने बोला था कि मैंने 30 पर मेहंदी क्यों नहीं लगाई, तो मैंने क्यों नहीं लगाई थी, ये तो बात सही है, नहीं लगाई थी मेहंदी, लेकिन उसका कारण भी यही है कि हम, मैं बता दे रही हूँ कि मैं 30 का व्रत नहीं रहती, 30 का व्रत नहीं रहती, इसलिए नहीं मेहंदी लगवाया था। और वीडियो शूट करना मुझे ज़रूरी था तीज का, तो मैंने वीडियो बनाया लेकिन मेहंदी नहीं लगाई थी, ये सही बात है। और वीडियो में भी दिख रहा है कि मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, तो सही बात है कि मतलब मेहंदी लगाना चाहिए था, लेकिन मेरा व्रत नहीं था तो इसलिए मतलब कोई केयर भी नहीं किया मैंने कि मेहंदी लगा लूँ।
तो आज करवा चौथ है तो हम करवा चौथ का व्रत रहते हैं। तो वैसे करवा चौथ का व्रत करते हैं, वैसे भी कुछ ही लोग होंगे जो कि नहीं करते हैं। अच्छा भी लगता है व्रत, और इसमें भूख भी नहीं लगती है क्योंकि मतलब तैयार रहना रहता है कि सारा दिन औरतों को सजना रहता है सिर्फ, और शाम के तो बहुत ढेर सारी सजाई वजाई होती है और सब लोग तैयार होते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, गहने पहनते हैं, हर चीज़ मतलब रहता है। तो हम लोग भी शाम को तैयार होंगे। तो हाँ, मैंने बोला था कि मेहंदी क्यों नहीं लगाई थी, तो मेरा मतलब व्रत नहीं था तीज का। तो आज का आज तो मतलब करवा चौथ ही है तो आज हम मेहंदी लगाए हैं। ये देखिए दिख रही है आप लोगों को मेरी मेहंदी। तो आज मैंने मेहंदी लगाई है, ये कल ही लगाई थी लेकिन दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो आज मेरा व्रत है और मैंने मेहंदी लगाई है। तो कैसी रही मेरी मेहंदी कमेंट में ज़रूर बताना। और तीज पर नहीं लगाया था मैंने तो आपने कमेंट किया था, तो करवा चौथ पे लगाई है तो आप बताइएगा कि मेहंदी मेरी कैसी लग रही है। और अभी मिलते हैं, आगे शाम को तैयार हो जाएंगे तो आप लोगों से बात करेंगे। शाम को बहुत बिजी हो जाएंगे हम, और घर भी जाना रहेगा, रात में ही निकल जाएंगे। फिर मिलते हैं अभी। जा रही हूँ भोजन बनाने। हमारे यहाँ भोजन में सब कुछ बनेगा लेकिन वो क्या कहते हैं फरा, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन हमारे यहाँ फरा बोलते हैं और वही बनेगा, बन रहा है तो हम भी जा रहे हैं बनाने। ये कैसी लग रही है आज, इसकी मोबाइल ख़राब हो गई फ्रेंड, ये क्या कहते हैं इसकी मोबाइल का डिस्प्ले उड़ गया तो ये बहुत दुखी अभी रो रही थी ना, तो इसके डैडी आए तो फिर थोड़ा सा बोले कि हाँ तुम्हारे लिए मोबाइल ले देंगे, तब खुश हुई। अभी उठी है, अभी रो रही थी ये मोबाइल को लेके अपनी तो चल रहे हैं हम भोजन बनाने। भोजन बनाने के बाद फिर तैयारी होगी, हम लोग तैयार हो जाएंगे तो आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। अभी अब चल रहे हैं किचन में भोजन बनाने। ए देखो मेरे दौरान लड़का है, हाय फ्रेंड्स। और ये देखो रामा भी तैयार हो गई हैं। तैयार क्या हो गई है, खाना बना रही हैं, भोजन खारा बन रहा है ना हमारे यहाँ तो सब लोग उसी में मतलब जुटे हुए हैं, एक लोग से नहीं बनता है। कैसा लग रहा है व्रत? बहुत अच्छा है, बिल्कुल देखो हरे भरे बने हैं लेकिन अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है दीदी खाना बना रही है। ये देखो ऐसे ही बनता है हमारे यहाँ, इसकी पूजा की जाती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ, चांद निकलने वाला है और
मैं तैयार हो गई हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? पूजा करने जा रहे हैं हम, और अभी पूजा करेंगे, उसके बाद चांद निकल आएगा तो उसको फिर देखेंगे। आप लोग जरूर दिखाएंगे भी। अब जा रहे हैं पूजा करने, हम तैयार हो गए हैं। मम्मी क्या देख रही हो? चांद देख रहे हैं। लाया है वो है खूब दूर में बहुत।